मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे। सो गाइस अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 11 एंड गाइस हमारा व्लॉग हो रहा है छत पे स्टार्ट, बिकॉज अभी मैं दौड़ा था अपने विंटर्स के थोड़े बहुत कपड़े एंड अपने नॉर्मल जो से ट्रैक सूट वगैरह। एंड गाइस अभी काफ़ी ठंड होने लग गया शाम को एंड मॉर्निंग में, एंड जब मैं प्रैक्टिस लगा के आता तो मेरे को ठंड एक दो बारी लग गया और इसलिए मैं बीमार भी हूँ, कोल्ड वगैरह हुआ पड़ा है। सो अभी मौसम चेंज हो रहा था इसलिए मैंने कहा अपने थोड़े से जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल लेते हैं, एंड वही मैं वॉश कर रहा था। एंड मैंने सोचा कि आज ब्लॉग भी शूट कर लेता बिकॉज आज है संडे, तो आज हम कहीं ना कहीं तो जाने वाले हैं। एंड या सो अभी फटाफट मैं धो रहा हूँ अपने कपड़े एंड फिर नीचे चलते हैं एंड फिर मिलते हैं, लेट्स गो। ओके सो गाइस अभी बज चुके हैं 2 एंड तब से मैं फ़ोन चलाए जा रहा हूँ, एंड आज से गाइस हुई हैं नवरात्रियाँ स्टार्ट, एंड बट अभी तक मैं नहीं ना आया। मम्मा भी बोल रहे थे कि अभी तक नहीं ना आया, आज नवरात्रि स्टार्ट हुई, सारे लोग उठ के पूजा वगैरह कर रहे हैं एंड इन सब को फ़ोन से ही फुर्सत नहीं मिलती, एंड इसको देख लो इसको सोने से फुर्सत नहीं मिलती। कुछ खाम हो गया ज़्यादा, एंड या गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हमने जाना 3 बजे ग्राउंड। ओके सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ एंड गाइस अभी 3 बज चुके हैं एंड अभी मैं जा रहा हूँ, बिकॉज इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ना मैंने कहा गर्ल्स की प्रैक्टिस भी करानी है एंड उससे पहले मैंने अपना वर्किंग लगाना, तो इसलिए मैं पहले जाके अपना वर्क लगा लूँगा एंड उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करा दूँगा। सो इसलिए फटाफट चलते हैं, एंड अभी बाहर धूप भी है और इस धूप के करके मेरा पूरा रंग टैन हुआ पड़ा है, हाथ वगैरह भी काले हुए पड़े, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। सो या गाइस फटाफट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गो। पहुंच गए हैं एंड अभी कोई नहीं आया बिकॉज आज उनके कहते एथलेटिक्स के टूर्नामेंट्स थे तो सारे उधर गए हुए हैं एंड वो आधे घंटे तक आ जाएंगे, बट मैं पहले इसलिए आ गया बिकॉज मैंने अपना वर्क लगाना है एंड मॉर्निंग में बारिश भी पड़ी थी तो पता नहीं ग्राउंड गीला होगा कि सूखा हुआ है, या चलो देखते हैं गीला है कि सूखा है। आई थिंक सूखा हुआ है ग्राउंड बिकॉज धूप भी काफ़ी निकल गई थी मॉर्निंग में, बाद में सूखा ही लग रहा है बिकॉज हम उधर रखते हैं अपना बैग एंड अपना वर्क स्टार्ट करते हैं जब तक वो नहीं आते। सो या लेट्स गो। मच लेटर। ओके सो गाइस अभी हम आ गए हैं घर एंड अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ बिकॉज अभी हमने जाना है मंदिर और हरमन भी जाएगा मेरे साथ, एंड इतनी रात को नहाया ठंडे पानी से, वैसे मेरे को कोल्ड हुआ पड़ा है और इतनी रात को नहाया ठंडे ठंडे पानी से, बैंड बज गया एंड अभी फटाफट चलते हैं मंदिर एंड हरमन नीचे बैठा हुआ है। सो या लेट्स गो। हरमन इन द हाउस, इसको देख लो, इसके 2-3 दांत टूट गए। रोजी न्यू दांत दिखा दे, अपने नवे दांत दिखा मुटकी। गाइस के नवे नवे दांत आए हैं, कितने दांत टूट गए मोटी? 3-4 तो टूट गए इसके, दांत दिखा अपने, ये वाले नवे आए हैं। अभी नींद में है, नींद में इसलिए नहीं कर रही कुछ। ओके सो गाइस अभी हम जाने लगे हैं, लेट्स गो। ओके सो गाइस हम आ चुके हैं अभी गोधाम एंड अभी चलेंगे अंदर। बाबू फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर, बट मैं तो आता रहता हूँ, सो लेट्स गो।
अभी आ गए हम घर एंड अभी बर्गर खा रहे हैं। अभी इसके बाद हरमन को जाना है घर छोड़ने, सो फटाफट बर्गर खाते हैं एंड मिलते हैं। हरमन ये तो बता दे कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम? शांति मिलती है, शांति, यस शांति मिलती है, पीस, बाय बाय। ओके सो गाइस अभी मैं हरमन को घर छोड़ के आ गया हूँ एंड अभी जा रहा हूँ सोने के लिए बिकॉज मेरे को काफ़ी नींद आ रही है एंड मॉर्निंग भी मेरे को ग्राउंड जाना है। सो या डेट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय।